हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो F25 प्रो 5G फ़ोन है, तो ओप्पो F25 प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में अलार्म्स वगैरह को आप कैसे लगा सकते हैं अपने ओप्पो फ़ोन में, अलार्म्स को कैसे लगा पाएंगे ओप्पो F25 प्रो 5G फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो कैसे अपने फ़ोन में अलार्म्स को सेट कर सकते हैं और फ़ोन में अलार्म्स भी लगा सकते हैं ओप्पो F25 प्रो 5G फ़ोन में, तो बताने वाले हैं कि अलार्म्स को कैसे लगाएं और सेट कर सकते हैं फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको जाना है सेटिंग्स पे। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, जिसका आप यूज़ करके अपने फ़ोन में अलार्म्स वगैरह को लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं कि साउंड एंड वाइब्रेशंस पे जाना है, फिर आपको यहाँ से अलार्म वॉल्यूम इंक्रेस करना है, फिर कोई भी अलार्म रिंगटोन सेट कर देनी है। फिर बैक करते ही जैसे आप अलार्म को लगाना चाहते हैं या फिर सेट करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। आप बैक करते हैं और क्लॉक्स टाइमिंग पे जाते हैं, तो यहाँ से भी अलार्म्स को आप लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप ऑन करके अलार्म्स को लगा पाएंगे एंड आप सेट भी कर सकते हैं फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और अपने फ़ोन में अलार्म्स को भी लगा सकते हैं सिंपली कुछ इस तरीके से ऑन करके। ऑन करके अलार्म लग जाएगा या फिर टाइमिंग को सेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं 2 PM अलार्म, तो आपका अलार्म लग जाएगा। तो इस तरीके से अलार्म को सेट कर सकते हैं और फ़ोन में लगा भी सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार।